किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है।